गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 8 फॉर क्लास 10 एंड 11। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एल्केन एंड एल्कीन। एल्केन और एल्कीन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको उसके बारे में जानकारी ना हो तो पार्ट 7 और 6 आप पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम पार्ट 8 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे, थर्ड है पार्ट है इसका एल्काइन। एल्काइन भी जो होता है वो क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इसलिए सैचुरेशन नहीं होता, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं, वो क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है आपका, देख लीजिए, CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2, यानी n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब CnH2n-2 का अगर शॉर्ट में देखें तो क्या बनेगा कि जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं हाइड्रोजन, उसके दोगुने से दो कम होंगे। दोगुने से दो ज्यादा होता तो एल्केन, दोगुने होता तो एल्कीन, अब दोगुने से दो कम है तो एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन में जितने भी कार्बन होंगे उसके दोगुने से दो कम कर दीजिए हाइड्रोजन को, तो वो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा आपका। फॉर्मूला हो गया आपका। इसके बाद एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कम से कम कार्बन, एक दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो आपका एल्काइन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तीसरा है, अगर उसका नाम हमें लिखना है, फॉर्मूला दे रखा है, तो हम क्या ऐड कर देंगे, आयन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? YNe। क्या ऐड कर देंगे? YNe आयन, आयन ऐड कर देंगे विद द नेम ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट नंबर ऑफ कार्बन आपके 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दोगुने से दो कम। 2 का दोगुना कितना होगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 माइनस कर दो कितना हो गया, 2 C2H2। क्या फॉर्मूला बना, C2H2। अब इसका नाम देखिए, नाम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 2 है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है, 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ। क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। एथ में क्या प्लस कर देंगे, आयन प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, इथाइन हो जाएगा। एथ में अगर हम आयन को प्लस कर दें तो आपका नाम क्या आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा। बहुत सिंपल है आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन है आपके 3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो एच कितना होगा, दोगुने से दो का, अब दोगुना कीजिए, 3 × 2 = 6, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 4। अगर C3 है तो एच कितना होगा आपका, 4। इसका नाम लिखना है तो C3 के लिए जो नाम आता है वो क्या आता है आपका, प्रॉप। क्या आता है? प्रॉप। प्रॉप में क्या ऐड कर देंगे, आइन, तो आपका हो जाएगा प्रोपाइन। प्रॉप में अगर आइन ऐड कर दें तो उसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से C4, अगर C4 है तो एच कितने होने चाहिए, 4 × 2 = 8, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए कितना आ गया, 6। तो C4 है तो एच कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, और C4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, तो ब्यूट के साथ क्या जोड़ देंगे, आयन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब इसके अपोजिट देखते हैं कि अगर हमें नेम दे रखा हो तो हम उसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे। सपोज दैट हमें दे रखा है पेंटाइन। क्या दे रखा है, पेंटाइन दे रखा है। पेंटाइन में आपको पता है पेंट के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 5। अगर C5 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दोगुने से दो कम, 5 × 10, 10 − 2 = 8, बस हो गया C5H8। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पॉइंट आपको याद रखने, चाहे उसका स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे उसका नेमिंग करनी हो, या फॉर्मूला दे रखा हो नेम लिखना हो, नेम दे रखा हो फॉर्मूला लिखना हो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका है हेक्साइन, हेक्साइन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, C6। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 × 2 = 12, 12 में से 2 माइनस करने हैं कितना आ गया, 10, C6H10। हेक्साइन, हेप्टाइन देख लीजिए आप, हेप्टाइन, हेप्टाइन के लिए क्या लिखेंगे, C7 में तो कितने आएंगे आपके, 12 आएंगे। आप क्या रह गया आपका, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, किसी एक का स्ट्रक्चर पहले ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिए C3H6, C3H4, C3H4 में सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कार्बन को ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके, 3, 1, 2, 3। अब हमें पता है क्योंकि इसमें एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कार्बन के बीच में आप पहले ड्रॉ कर दीजिए, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें आपकी जो वैलेंसी कार्बन की होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो क्या होती है, 4। आप कितनी लेफ्ट रहेगी, ओनली 1, तो इसमें हम कितने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे,
ओनली वन, जो बचे हुए कार्बन इसमें क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखिए क्या इसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत है, आप वैलेंसी को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है सेकंड कार्बन की, इसको हमें कोई भी हाइड्रोजन इससे ऐड नहीं करना है, अटैच नहीं करना है। लेकिन इस कार्बन का देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है, इसका मतलब क्या, एक इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो वन अगर कंप्लीट है तो कितनी रह गई आपकी, थ्री, तो इससे भी थ्री हाइड्रोजन हमारे और आने हैं, 1 2 3, तो ये हो गया आपका C3H4 का फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कार्बन की सभी की वैलेंसी भी सेटिस्फाई है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे इक्वल है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका C5H8, क्या ले लिया C5H8, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। अब किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में एक सबसे पहले क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। सपोज दैट यहां लगा दिया हमने 1 2 3, सबके साथ और क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिए सबके साथ। अब बताइए इस कार्बन की वैलेंसी सबकी 4 होती है, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, तो कितनी लेफ्ट रहेगी, 3, 1 2 3, इसकी देखो 1 2 कंप्लीट है, कितनी रहेगी, 2, 1 2, इसकी 1 2 3 4, यानी कंप्लीट, इसकी 1 2 3 4 यानी कंप्लीट, कोई भी हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन को देखेंगे तो कितना है, सिर्फ ओनली 1 कंप्लीट है, तो कितनी ड्रॉ करनी है, 3, 1 2 3, हाइड्रोजन 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 3 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन भी आपके सेटिस्फाई है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और उसकी वैलेंसी, सारी चीजें सेटिस्फाई है, इसमें कोई भी आपको ज्यादा ऐसे पॉइंट नहीं। अलग से एल्काइन में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। अगर फॉर्मूला आपको नेम से लिखना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी कार्बन आएंगे उसकी, उसके हाइड्रोजन उस दुगने से 2 कम कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर फॉर्मूला दे रखा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन देखेंगे कि उसमें दुगने से 2 कम है तो एल्काइन हो गया, दुगना है तो एल्कीन हो गया, दुगने से 2 ज्यादा है तो एल्केन हो गया। अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।